अनुपमा सीरियल से टीवी इंडस्ट्री में छाने के बाद अब अनुपमा यानी रूपाली गांगुली भाजपा से जुड़ चुकी हैं। जी हां, आपके अनुपमा ने राजनीति में नई पारी खेलने की शुरुआत की है। इस बात की जानकारी रूपाली गांगुली ने विनोद तावड़े और अनिल बलूनी के साथ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि उनकी लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, लेकिन जल्द ये भी साफ हो जाएगा। अभी तक रूपाली गांगुली ने कभी भी मीडिया में इस बारे में ना ही कभी कोई बात की है और ना ही कभी कोई खबर दी है, लेकिन अचानक से ही उन्होंने भाजपा से जुड़ने का ये जो फैसला लिया है उस पर रूपाली ने अकारण बताया है और बोली कि महाकाल और माता रानी के आशीर्वाद से कि मैं अपने कला के माध्यम से कई लोगों से मिलती रहती हूँ और जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूँ, तो मैं यहाँ पर आ गई ताकि मैं किस तरह से मोदी जी के साथ बताए हुए रास्ते पर चलूं और किसी भी तरीके से देश की सेवा में भागीदार बनूं। तो मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूं और साथ ही ये चाहती हूं कि मैं जो भी करूं सही करूं और सब कुछ अच्छा करूं। वहीं अनुपमा के बीजेपी में शामिल होने पर लोगों को कुछ अलग ही रिएक्शन आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अब तो सभी मम्मियों के वोट बीजेपी को ही जाएंगे। खेलो दिमाग से, किसी ने तो ये लिखा है कि अब तक का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन है। एक ने लिखा कि अरे अनुपमा आप अमेरिका से वापस आ गई, तो वहीं एक यूज़र ने तो ये तक बोल दिया कि लगता है कि अब जल्द ही कांग्रेस काव्या को भी इनके विरोध में उतारेगी।